साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम हेलो युवाणी की ओर। बातचीत की है हमारे साथी दीपक तिवारी ने, प्रस्तुत करता है सुमिता रॉय बर्मन और प्रस्तुति सहायक है धर्मदीप डोंगरे का। हेलो युवाणी। रेडियो सेट और मोबाइल के जरिए युवाणी के रंग में और बारिश के संग में भीगे दोस्तों को आपके साथी दीपक का मुस्कुराहट भरा नमस्कार। साथियों, सावन अपने पूरे शबाब पर है, ऐसे में मधुर मधुर गीत सुनने का दिल तो सबका करता है और ऐसे मौसम में मुझे अपने श्रोता साथियों से बातचीत करने का इंतजार भी रहता है। जानने का मन होता है कि उनके लिए ये बदलता मौसम कैसा है भला। तो फिर आइए क्रम हेलो युवाणी में आपसे बातचीत भी करते हैं और आपके पसंद के फिल्मी गीत भी श्रोताओं को सुनवाते हैं। तो देखते हैं कि हमें आज पहला फोन कॉल किसने किया है। हेलो युवाणी। हेलो युवाणी, मैं रामदास देवांगन ग्राम कीटोला जिला बालोद से बोला था। रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं रामदास जी आप? मैं कपड़ा सिलाई करता हूँ और खेत भी देखता हूँ जी। और ऐसा हमारे गांव में स्वच्छता भी अच्छा है जी। चलिए, अच्छी बात है रामदास जी। तो आप कृषक भी हैं और कपड़ा सिलाई का भी काम करते हैं, तो इन दिनों खेती किसानी का काम कैसा चल रहा है आप सबका? नहीं, अच्छा चल रहा है, परहा वरहा लग गया है जी और ब्यासी भी हो गया है, अब चलाई वलाई चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और इन दिनों गांव में बहुत त्योहारों का भी समय है खेती किसानी के साथ साथ, तो आप त्योहारों का कैसे आनंद ले रहे हैं वहां पर? अभी हरियाली त्योहार अच्छा धूमधाम से मनाए हैं, इसके बाद रक्षाबंधन का तैयारी चल रहा है भैया। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से त्योहारों का एक पूरा जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। और माँ का नाम एक पेड़ में भी हम एक पेड़ भी लगाए हैं जी, पर्यावरण के लिए। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। तो रामदास जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? सूरज कहो या चांद कहो, नाम मेरा रोशन करे, ये गाना। बिल्कुल, आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत सा नगमा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। जुंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे
तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। हेलो युवाणी। हाँ हेलो युवाणी जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहन लाल जनांगल मास्टर मोहन से बोला सर जी। बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी आपका। जी हाँ, आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और देखो अगस्त का महीना चल रहा है सर, उसमें सावन भी चल रहा है। और देखो अभी 4 तारीख को किशोर कुमार का भी जन्मदिन मनाया यहाँ पर, और उसके बाद 15 अगस्त भी मनाए जाएंगे मोहन जी। और रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, तो आप इस त्योहार को किस तरह मनाते हैं और हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेम का बंधन, भाई बहन का जो रिश्ता है जी, ये हमारे लिए बहुत अमूल्य है। जैसे हम बहनों का रक्षा कर सकते हैं, और यहाँ तक कि कहने मतलब बॉर्डर में भी रहते हैं सब, वो लोग भी अभी बहनों लोग भी राखी बांधते हैं, जेल में भी राखी बांधते हैं सब। तो ये देखिए भावनाओं जो है कितना अच्छा जुड़ा हुआ है सर इस रक्षाबंधन में, ताकि भाई बहनों का प्यार अमर रहे, बना रहे, ऐसा लगे सर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है मोहन जी। जी। इस मौके पर आप कौन सा नगमा सुनना चाहेंगे? इस मौके पर मैं एक फिल्म है मेरे जीवन साथी जी, और किशोर कुमार की आवाज है और उसके बोल है, ओ मेरे दिल के चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत। दिल के चैन ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को नहीं साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आए पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आंखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन,
अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। हेलो युवाणी। हाँ हेलो युवाणी जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मुकेश स्वर्णकार बोल रहा हूँ सर। मुकेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं अभी हूँ और पहले से पांच तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्या बात है, आप एक टीचर हैं जी। तो इन दिनों कैसा माहौल है आपके स्कूल में? माहौल अच्छा है। हाँ, मैं एक चीज बताया था, मैं ब्लाइंड भी हूँ और मुझे आंखों से कम दिखता है। जी बिल्कुल, तो ये तो बड़ी एक अच्छी बात है कि आप दिव्यांग होते हुए भी बच्चों को लगातार पढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है बच्चों को पढ़ाकर मुकेश जी? बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता है सर, और क्या है अपना 6 घंटे कब बीत जाता है पता नहीं चलता है सर। क्या बात है, तो आप तो हम सब के लिए एक मिसाल है एक तरह से जी। और बड़ा ही अच्छा मौका है कि हम सब आजादी का भी त्योहार मनाने वाले हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आजादी हमें मिली है उस आजादी को हमें संभाल कर रखना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि हम देश में अपना नाम ऊंचा कर सके और देश को हम पर गर्व हो और हमें भी कुछ अच्छा लगे कि हमने भी देश के लिए कुछ अच्छा किया। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और आप सभी को आने वाले पर्व स्वतंत्रता दिवस और 15 और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने इतना अच्छा संदेश हम सबको दिया है, हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे मुकेश जी? हाँ, तो मुझे फिल्म क्रांति का सुनवा दीजिए जी। अब के बरस तुझे धरती के रानी कर देंगे, अब के बरस तेरी। आइए मुकेश जी, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत। दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अब के हमने जानी है, सपने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी, खत्म कहानी कर देंगे अब के बरस। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले, हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी ना खेले। चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने,
जमाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने, फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदानों के बल पर, हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर। यारों टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना रुकना, बहुत सह लिया अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है, बाजू भड़क उठे हैं, सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदार, का जश्न मनेगा हर शोला जागेगा, बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा, हमने कसम निभानी है देनी हर कुर्बानी है, हमने कसम निभानी है देनी हर कुर्बानी है, अपने सरों की अपने सरों की, अंतिम निशानी धर देंगे अब के बरस, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे अब के बरस। हेलो युवाणी। हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सत्प्रेम नमस्कार। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? मैं नवागढ़ का टैक्सी नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी। नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर जी। जो अगस्त महीने में बात हो रहा है आपसे, बिल्कुल सावन का महीना है और अगस्त अपने आप में बहुत ही खूबसूरत महीना है। सावन का महीना भी बहुत मनभावन है सर जी, और अगस्त भी बहुत मनभावन है हमारे लिए और आप सबके लिए। बिल्कुल, पूरी जो है पर्वों का महीना है सर जी, है ना जी। तो क्या है सर जी, अभी जैसे अब 15 अगस्त आने वाले हैं, तो आप सभी उद्घोषकों एवं मेरे प्रिय श्रोता साथियों को अग्रिम बधाई देता हूं मैं। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से। नारायण जी, जो 15 अगस्त का पर्व है वो हम सबको याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी है, और हमारे सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने अपने जान पर खेल कर हम सबको आज़ादी दिलाई है। तो आप इस आज़ादी के अवसर पर, इस त्यौहार पर हमारे संदेश के रूप में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है सर जी, मेरे सभी श्रोता भाइयों से, जितने मुश्किल से बलिदानों की बलिदान से जो हमारा हमको आज़ादी मिली है, इस पर्व को हमें संभाल कर रखना है, और एक एक बूंद की कीमत हमको करना है जो हमारे जिन शहीदों ने अपनी जान गंवाई है, खून बहाए हैं उनकी, उनका रक्षा करना और हमारे देश का रक्षा करना, ये सब हमको ठान लेना चाहिए सर जी। जो पर्व, कोई भी पर्व आता है सर जी, वो हमको एक नई जोश एवं शिक्षा देते हैं सर जी, है ना। तो जो 15 अगस्त है, हमको बहुत गर्व है और हमको जोश है कि हमको अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करें और स्वतंत्र भारत में अपना जो है भाईचारे की अपना निभाते रहिए। वाकई बहुत ही अच्छी बात आपने कही नारायण जी, कि हम सब भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाएं और अपना जीवन भाईचारे को समर्पित करें। जी सर। आप आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे नारायण जी? शर्मा का सुना दीजिए सर जी, इसी पर्व से संबंधित गाना। कौन सा गीत है ना सर जी, वतन वाला? बिल्कुल, आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत गीत।
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम हेलो युवाणी। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडे पंडरिया से। पवन जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दीपक सर बोल रहे हैं साहब? जी मैं दीपक तिवारी बोल रहा हूँ। हम कैसे पहचान गए सर आपकी आवाज को? आप हमारे वरिष्ठ श्रोता हैं ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है, और आप हमारी आवाज भी पहचानते हैं इसी तरह। आपने मुझे सम्मान दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत हर पुनः धन्यवाद देता हूँ, और खास करके युवाणी परिवार को भी आने वाले रक्षाबंधन और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देता हूँ सर। बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं पवन जी। जी सर, जी सर। ये त्योहारों का महीना है अगस्त, एक तरफ सावन है, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, जी, और जी एक तरफ पूरी प्रकृति हरी भरी है, तो प्रकृति को बचाए रखने के लिए आप हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सर, जैसा भी हो सके, जितना हो सके पेड़ झाड़ तो इसी मौसम में और इसी महीने में लगाने से जगता भी है सर। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी श्रोता है या ग्रामवासी नगरवासी हैं, वो कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 झाड़ अवश्य लगाए, जिससे अपना पर्यावरण में सुधार आ सकता है सर। बहुत अच्छी बात आपने कही, और उस पेड़ की देखभाल भी करें उसे बड़ा होने तक। क्या है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही। पवन जी आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? महबूब की महली फिल्म गीत सुनवा दीजिए सर, जाने की लोग मोहब्बत किया करते हैं। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत नगमा। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर दे दिल लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। Ooh
हेलो युवाणी जी, कौन बात कर रहे हैं? नमस्कार सर जी। नमस्कार, मैं कमलेश साहू, हसदा नंबर 2 से। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। धन्यवाद सर जी। आप दीपक बोल रहे हैं क्या? जी, मैं दीपक तिवारी बोल रहा हूँ जी। आवाज से हम पहचान लिए। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे श्रोता हमें आवाज से पहचानते हैं। जी सर जी। कमलेश जी, आप तो हमारे पुराने श्रोता हैं और जी। आपके पत्र हमें मिलते रहते हैं जी। और ये जो पर्व आने वाला है 15 अगस्त का, तो आप एक रेडियो श्रोता के नाते इस अवसर पर आपके क्या विचार हैं? क्या है सर जी, जो शहीद हुए हैं उसको श्रद्धांजलि देना है जी, और मस्त शांतिपूर्ण ढंग से मनाना है, और बच्चों का कार्यक्रम भी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सर जी। आप जी, एक रेडियो का महत्व तो क्या देखते हैं कमलेश जी? क्या है सर जी, रेडियो के माध्यम से ना हमें जो भी श्रोता है, कितनों दूर से वो जो फोन करे, सभी का हाल चाल जानने को मिलता है सर जी। तो जी सर, कमलेश जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज? फिल्म का नाम है बेताब और गीत के बोल है बादल यू ग्रस्ता है। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत। बादल यू गरजता है, डर कुछ ऐसा। रजता है डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। तूफानों के ये शीशे का मकान, बाहर भी तूफान अंदर भी तूफान, बीच में दो तूफानों के ये शीशे का मकान। ऐसे दिल धड़कता है, अरे ऐसे दिल धड़कता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। ये दीवानी शान
नाम ये तूफान शाम सावन में पानी का है नाम बस कुछ भी हो सकता है अरे बस कुछ भी हो सकता है डर कुछ ऐसा लगता है चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। दोस्तों काफी दिनों बाद आज आप सबसे बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप सबसे बातचीत हमेशा रोमांचक ही होती है।